वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं NIA टेक्निकल इन्फॉर्मेशन चैनल। ये हमारे पास मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक का कंप्रेसर है, आज हमने इसको चला के चेक करना है कि ये ओके ठीक है या ख़राब है। तो ये हम आपके साथ मुकम्मल शेयर करेंगे कि इसके जो पॉइंट हैं R, C और S, ये किस तरह से मालूम किए जाते हैं और इनकी जो वायरिंग है वो किस तरह से की जाती है, हम इसको चला के प्रॉपर चेक करेंगे। कंप्रेसर के ऊपर जो कवर है इसके ऊपर भी लिखा हुआ है R रनिंग, C कॉमन और S फॉर स्टार्टिंग। इसके तीन टर्मिनल हैं, तो अगर कवर के ऊपर लिखा है लेकिन बाज़ दफ़ा कवर के ऊपर ना हो, कवर गुम हो जाए, तो फिर आपने किस तरह से मालूम करना है। कंप्रेसर की जो रबर की स्लीव बनी हुई है इसके ऊपर भी लिखा हुआ है रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन, लेकिन अगर ये गुम हो जाती है, ये ख़राब हो जाती है, तो फिर आप किस तरह से मालूम करेंगे, ये हम आपको मल्टीमीटर के साथ प्रॉपर चेक करके बताएंगे। मीटर को हम रेजिस्टेंस पे, जिस जगह पे वैल्यू चेक करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करते हैं, उस पॉइंट पे हमने मीटर को सेट कर लेना है। सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, दोनों पिनों को आपस में मिलाना है, ये वैल्यू शो हो रही है। अब हम R और S की वैल्यू चेक करेंगे, R पॉइंट और S पॉइंट की वैल्यू, ये 6.5 शो हो रही है। अब हम एस और सी की वैल्यू चेक करेंगे, चार शारिया 400 हो रही है। ये दो तो हमने चेक कर ली है, एस के साथ आर को भी चेक कर लिया और सी को भी। अब हम आर और सी को चेक करें, 2.5, तो सबसे कम वैल्यू जो है वो सी और आर की आ रही है और सबसे ज़्यादा आर और एस की आ रही है। तो अब जिस पॉइंट की सबसे ज़्यादा है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अभी एस और आर को दोबारा चेक करते हैं, छः इशारिया 5। अब एस को सी के साथ चेक करते हैं, 4.67, मतलब इसकी ये सब पॉइंटों में सबसे ज़्यादा वैल्यू जो एस की है। तो एस की आर के साथ ज़्यादा मतलब ये स्टार्टिंग लाइन होगी, ये हमारी रनिंग है, रनिंग की जो है वो स्टार्टिंग से कम शो होगी। देखिए 2.5 स्टार्टिंग रनिंग और ये हमारा जो है ये कॉमन का पॉइंट है। जी तो दोस्तों, अभी आपको पता चल गया कि हमने रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन जो पॉइंट है वो किस तरह से चेक किए हैं। स्टार्टिंग की रनिंग के साथ जो वैल्यू थी वो 6.5 शो हुई है और रनिंग की जो कॉमन के साथ आर की सी के साथ है वो 2.7 है और एस की जो सी के साथ है वो 4.6 है। मतलब जो सबसे ज़्यादा वैल्यू वो एस और आर की है, ये हमारी रनिंग और स्टार्टिंग है, तो सी की इन दोनों के साथ कम है तो वो हमारी कॉमन है। अभी हम कंप्रेसर की वायरिंग करके इसको चला के प्रॉपर चेक करेंगे और देखते हैं कि कंप्रेसर हमारा ऑन होता है जो हमने वायरिंग चेक की है उसके हिसाब से। रेड जो है ये मैंने कॉमन पे लगा दी है, ब्लू वाली है जो ये रनिंग पे आ जाएगी, वाइट ये मैं स्टार्टिंग पे लगाने लगा हूँ। जो हमारा न्यूट्रल का पॉइंट होता है वो आता है रनिंग वाली साइड पे। ये रनिंग की वायर लगाई, इधर हम न्यूट्रल लगाएंगे और ये हमारा स्टार्टिंग का पॉइंट है।
तो आपने कैपेसिटर चेक कर लेना है कि चार्ज तो नहीं, अगर चार्ज हो तो उसको डिस्चार्ज कर लें वरना आपको शॉक भी दे सकता है। तो ये मैं आरजी कनेक्शन करके इसको चला के आपको दिखाने लगा हूँ। ये मैंने न्यूट्रल लगा दिया और ये मैं फेज़ का कनेक्शन दे दिया मैंने इसको। कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ब्रेकर अभी तक तो ऑफ है। आपने भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ब्रेकर ऑफ हो, सप्लाई ना आ रही हो वायरों में। तो अभी मैं ब्रेकर ऑन करता हूँ, ऑन करके चेक करते हैं कंप्रेसर। जी दोस्तों, कंप्रेसर हमारा जो है वो ऑन हो गया है, प्रेशर भी इसमें बन रहा है, प्रेशर भी बना रहा है। उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो जो है आपके लिए मददगार साबित होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।